हेलो एवरीवन, बहुत सारे कैंडिडेट्स की मेरे पास क्यूरीज आ रही है एसएससी सीजीएल की पोस्ट प्रेफरेंस के रिगार्डिंग कि सर पोस्ट प्रेफरेंस कैसे डालें, हमें तो वहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखाई नहीं दिया। तो देखो, ये जो डाउट है वो ऑब्वियस ही बात है आएगा ही आएगा, क्योंकि इस बार एसएससी सीजीएल का जो पैटर्न है वो थोड़ा चेंज हुआ है। बात करें तो जो बैंक एग्ज़ाम का पैटर्न है वैसा पैटर्न यहाँ पर दिया गया है। तो इस बार जो कैंडिडेट्स बैंक एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो भी एसएससी सीजीएल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके माइंड में तो कन्फ्यूजन आएगा, क्योंकि बैंक एग्ज़ाम के लिए जब आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हो तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद डायरेक्ट आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके उसके बाद सबमिट करना होता है। लेकिन एसएससी के केस में थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन अलग से करना होता है और वो जो रजिस्ट्रेशन आपका वो परमानेंट वैलिड होता है, आपको बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता। उसी एक रजिस्ट्रेशन से आप जितने भी एग्ज़ाम्स वगैरह आते हैं एसएससी के वो अप्लाई आप कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपको अलग से करना होता है। उसके बाद आपने देखा होगा रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आप लॉगिन करते हो तो वहाँ पे आपको बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिखाई देते हैं, उनके लिए अलग अलग से अप्लाई करने का नीचे ऑप्शंस, आपको बहुत सारे ऑप्शंस भी दिखाई देते हैं, अप्लाई का, प्रिंट का, पेमेंट का, स्टेटस का, बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे कैंडिडेट्स ने अप्लाई कर दिया, लेकिन उन्होंने ये भी सुना है कि पोस्ट प्रेफरेंस भी देनी होती है एसएससी में, लेकिन उन्हें ऐसा कोई ऑप्शन वहाँ पे मिला नहीं, तो डाउट अराइज हो गया। ओबियस ही बात है अराइज हो गई होगा, क्योंकि आईयूपीएस वगैरह का एग्ज़ाम भी आप जब उसके लिए फॉर्म वगैरह फिल करते हो तो वहाँ पे आपको बैंक प्रेफरेंस उसी टाइम पे देनी होती है, तो वही दिमाग में चलता है कि इसके लिए भी जब अप्लाई करते हैं उसी टाइम पर प्रेफरेंस देनी होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं क्लियर कर दूँ आप लोगों को, अभी आपको पोस्ट प्रेफरेंस नहीं देनी, पोस्ट प्रेफरेंस जब आपका फाइनल अलॉटमेंट होगा उससे पहले आपको देनी होती है। तो अब पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में आपको सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ क्या कीजिए, जल्दी से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके अप्लाई कीजिए और अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए, क्योंकि इस बार जो अपॉर्चुनिटी है बहुत ही अच्छे वाली अपॉर्चुनिटी है, वैकेंसीज भी ज़्यादा है, प्लस यहाँ पर जो पैटर्न है वो भी थोड़ा चेंज हुआ है, और अगर बात करें तो थोड़ा सा ईजी वे में ये जो पैटर्न है वो गया है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट को यहाँ पे वेटेज दिया गया है। क्योंकि पहले तो मैथ्स और इंग्लिश टीयर टू की अगर स्पेशली बात करें तो मैथ्स और इंग्लिश को ही वहाँ पे वेटेज मिलता था, यहाँ पे क्या है कि हर एक सब्जेक्ट को यहाँ पे वेटेज दिया गया, जैसे बैंक में जो आता है जिस तरीके से उसी तरीके से पैटर्न वही सेम का सेम फॉलो किया गया, सिलेबस में थोड़ा सा चेंज है लेकिन पैटर्न वो का वो फॉलो किया गया। तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो अब आपको क्या करना है, कुछ भी फालतू नहीं सोचना, एक मस्त सी स्ट्रेटजी तैयार कीजिए और अपनी स्टडी पे फोकस्ड हो जाइए, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि इस बार ये जो अपॉर्चुनिटी है इसको अपने बिल्कुल भी हाथ से नहीं जाने देने वाले।